राधे राधे। भक्तों, भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए कोई न कोई रिश्ता बनाना पड़ता है। जिसका रिश्ता प्रभु से अटूट होता है, पक्का, सच्चा और दृढ़ होता है, उसका प्रेम निश्चित ही बढ़ता चला जाता है। किंतु यदि भगवान से हमारा रिश्ता कायम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और प्रेम बहुत बढ़िया नहीं हो पा रहा है, तो एक दूसरा तरीका संत लोग बताते हैं, और वो तरीका यह है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करें, आदर के साथ, आदर युक्त प्रेम करें, सम्मान युक्त प्रेम करें, लेकिन सच्चा प्रेम करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका भगवान से रिश्ता पवित्र और प्रेम युक्त हो। चाहे वो व्यक्ति संत न हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदारी का हो, लेकिन यदि भगवान से उसका रिश्ता अच्छा है, पक्का है, प्रेम युक्त है और हम उससे प्रेम करें, तो निश्चित ही प्रभु के उस प्रेमी के रिश्ते के कारण भगवान से प्रेम हो जाएगा। और ऐसा प्रेम हो जाएगा कि फिर उस प्रेम के सम्मुख और सांसारिक प्रेम सब फीके पड़ जाएंगे। उन्हीं प्रभु के लिए ही सब कुछ समर्पण होगा, उन्हीं के लिए जीवन अर्पण होगा, प्राण अर्पण होगा। जैसे गीता जी में 10वें अध्याय में प्रभु ने कहा है, मच्चित्ता मदगतप प्राणा, जिसका चित्त मुझ में लगा और जिसका प्राण मेरे लिए अर्पित है, ऐसा प्रभु ने कहा 10वें अध्याय में। ठीक वही स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और आज मैं आपको जिन महान भक्त की चरितावली सुनाने जा रहा हूं, उनका नाम है श्री अंगद जी। ये श्री अंगद जी की कथा भी इसी सिद्धांत की पोषक है। इनका भगवान से प्रेम तो नहीं था भक्तों, लेकिन जो इनकी पत्नी थी महाराज, वो भगवान की सच्ची भक्त थी। अंगद जी की पत्नी महान भगवत भक्ता थी, भगवान से बहुत सच्चा प्रेम उसका था, अपार था प्रेम उसका। और अंगद जी की शादी ऐसी लड़की से हुई, ऐसी पत्नी प्राप्त हुई जो महान भक्त थी, किंतु अंगद जी विषयी थे, भगवत विमुख थे। महाराज, इनका भतीजा जो था, रायसेनगढ़ का राजा था सिलाहदी सिंह, तो राजा सिलाहदी सिंह जो रायसेनगढ़ के राजा थे, उनके चाचा थे अंगद जी, जो पहले पूर्ण रूप से भगवत विमुख थे। लेकिन जब कोई भक्त हो जाता है तो उसके पिछले कर्मों की बात नहीं की जाती है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि भगवत विमुख भी एक नास्तिक और विषयी भी सच्चे भक्त से प्रेम करके भक्त हो जाता है। इसलिए मैं बतला रहा हूं कि अंगद जी पहले विषयी थे, भक्त नहीं थे। उनकी पत्नी महान भक्त थी। और भक्तों, शादी होकर के जब वो आई ससुराल, तो वहां सब कुछ था, वैभव था, अपार सुख था, लेकिन दुख एक बात का था, और दुख बहुत बड़ा था कि वहां सत्संग नहीं था, और सत्संग के विमुख अर्थात विरुद्ध वातावरण था। तो उसको ये सारे सुख संसार के सब बेकार लगते थे। उसको ये बड़ा भारी दुख था कि वहां गुरुदेव नहीं आते, यहाँ सत्संग नहीं होता, यहाँ संतों का प्रसाद नहीं मिलता। तो उसने अपने मायके पत्र भेजा और गुरु जी के पास वो पत्र भेजा कि आप कृपा करके यहाँ दर्शन दीजिए,
यहाँ मुझे कोई सुख अच्छा नहीं लगता, जब यहाँ कोई सत्संग नहीं, भक्ति का वातावरण नहीं, तो सब कुछ बेकार है। यहाँ आप आएंगे तो आपको चरणामृत मिलेगा, आपको प्रसाद मिलेगा। गुरुदेव इतने कृपालु, वो संत थे, उन्होंने शिष्या की प्रार्थना पर महाराज पहुंच गए रायसेनगढ़। और जिस समय वो महल में आए, उनके पति अर्थात अंगद सिंह जी नहीं थे, तो वो बड़े प्रेम से उसने भोजन बनाया। गुरुदेव ने भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पाया। गुरुदेव का प्रसाद अंगद सिंह की जो पत्नी थी उसको प्राप्त हुआ, और प्रसाद पाए फिर भगवान की कथा वो सुनाने लगे। भगवान की कथा सुन करके प्रेम विभोर हो गई शिष्या उनकी। और इसी बीच अंगद सिंह जी आ गए। महाराज उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी एक अनजाने व्यक्ति के पास बैठी है और बड़े प्रेम से हंस हंस करके सुन रही हूं उसकी बात। तो वो नास्तिक थे उस समय अंगद जी, उन्होंने एक अपरिचित पुरुष को घर में देख करके बहुत नाराजगी व्यक्त की और बोले कि घर के अंदर एक कौन बैठाया है, किसको ला करके तूने। और पहले तो इतना ही बोले अपने पत्नी से, फिर जो गुरु जी महाराज थे पत्नी के गुरु, उनको बहुत उल्टा सीधा डांटा फटकारा उसने, क्योंकि उस समय वो नास्तिक थे अंगद जी। और डांट फटकार करके कहा कि स्त्री से अकेले में यहां बात कर रहा है तू, कौन है तू, यहां मेरे महल के अंदर घुस गया। बड़ा उल्टा सीधा बोला महाराज। और वे संत थे, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उनको ये लगा कि मेरी शिष्या को बहुत दुख हो रहा है मेरे अपमान से, लेकिन वो कुछ कहे नहीं और न तो दुखी हुए न कुछ जवाब दिए, बस वो शांति से उठ करके वहां से चले गए। लेकिन अपमान तो गुरु का हो ही गया था, और गुरु के अपमान के कारण अंगद जी की जो पत्नी थी उसने अन्न जल त्याग दिया, और बिल्कुल त्याग दिया, न कुछ खाती थी न पानी पीती थी, और अपने पति की ओर देखना बिल्कुल बंद कर दिया। महाराज अंगद तो सांसारिक सुख का वशीभूत था, उसको बहुत दुख हुआ कि उसकी पत्नी इस प्रकार से नाराज हो गई कि भोजन नहीं कर रही, पानी नहीं पी रही, देखती भी नहीं। मनाते मनाते वो थक गया और आखिर में हार मान करके पैरों में गिर गया, और जब चरण पकड़ लिया तब फिर वो बोली। वो मुंह ढक करके लेट गई थी, देखती नहीं थी, क्रोध तो उसको बहुत था कि हमारे गुरु का इतना अपमान किया इन्होंने, एक तो ये नास्तिक हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, दूसरा हमारे गुरु का इतना अपमान किया, गुरु महाराज का स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, और अपमान इतना जबरदस्त किया है। तो उसने कहा कि मुझे आपका मुख नहीं देखना है। पत्नी ने कहा मुझे आपका मुख नहीं देखना है, और मैं तो गुरु की भक्ति इतनी होती है कि मेरा प्राण निकल गया होता उसी समय जब गुरु का अपमान हुआ तो सही था, लेकिन मेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं थी इसलिए प्राण मेरे नहीं निकले। किंतु उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है तो आप उसका सुधार करिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, पति ने कहा। तो पत्नी ने कहा कि मेरा जीना तभी संभव है जब आप मेरे गुरु जी को प्रसन्न करके फिर घर में वापस लाइए और उनसे आप दीक्षा लीजिए, उनकी सेवा करिए, उनका प्रसाद दीजिए, उनकी आरती उतारिए, और गुरु जी महाराज जी प्रसन्न हो जाएंगे तब मैं आपसे बोलूंगी। महाराज वो अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए अंगद भागा हुआ गया और जा करके गुरु जी के चरणों में पड़ा और बोला कि महाराज मेरी पत्नी मर जाएगी,
आप कृपा करके पधारिए, मुझसे बड़ी गलती हुई है और मुझे दीक्षा आपसे लेनी है, मुझे आपकी सेवा करनी, शिष्य बनना है। उसने देख लिया पत्नी ने कि इस तरह से इनका भी कल्याण होगा, इसलिए ऐसा किया था। तो महाराज अंगद जी के जो गुरु जी थे वो समझ लिए कि अब राजा में परिवर्तन हो जाएगा, इसका जीवन भी सफल हो जाएगा, इसकी पत्नी का भी दुख मिट जाएगा, इसलिए महाराज जी कृपा करके आ गए और महाराज जी से दीक्षा लिया अंगद जी ने। और दीक्षा लेने के बाद गुरु कृपा से उनके अंदर परिवर्तन हो गया, कंठी धारण किया, तिलक लगाया, गुरु का प्रसाद लिया, चरणामृत लिया, भगवान की कथा गुरु जी ने सुनाया, तो उनका भाव एकदम बढ़िया हो गया, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव प्रीति प्रकट हो गई। महाराज अब उनके घर में भक्ति का वातावरण हो गया, पत्नी की सेवा करने से पत्नी का प्रेम प्राप्त कर लिया, पत्नी से प्रेम किया, और पत्नी गुरु भक्त थी, भगवत भक्त थी, इसलिए इनके अंदर भी भक्ति का संस्कार प्रकट हो गया। अब आगे की घटना भक्तों यह है कि जो राजा था शिलादि सिंह, तो उसके चाचा थे अंगद जी। तो एक बार राजा ने आदेश दिया, और ये जो चाचा जी थे अंगद जी, ये सेनापति थे, तो सेनापति होने के कारण उनको आदेश दिया राजा ने कि एक राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, और साथ में सेना भी थी। तो अंगद जी इतने वीर थे कि सेना के साथ जाकर के राजा पर आक्रमण किए और विजय प्राप्त कर लिया। तो राजभवन की लूट हुई और उसमें राजा की जो बहुत महंगी टोपी थी वो अंगद जी को मिल गई, उसमें 100 नग थे, उनमें से एक नग बहुत ही कीमती हीरा था। तो टोपी के 99 नगों को बेच बेच करके संतों की सेवा अंगद जी ने कर दिया, क्योंकि अब संतों से प्रेम हो गया था, अब वो भक्त तो हो गए थे, संतों से प्रेम हो गया था, तो 99 नग बेच करके संतों की सेवा किया उन्होंने। और एक नग जो हीरा था, बहुत कीमती हीरा था, वो उसको उन्होंने बचा लिया और अपनी पगड़ी में लपेट लिया उसको, और निश्चय कर लिया कि इसको मैं जगन्नाथ भगवान को अर्पण करूंगा, उन्हीं की सेवा में इसको भेंट करना है। तो वो हीरा बहुत कीमती था और उसको फौजी सिपाहियों ने भी देख लिया था, और ये भी उनको फौजी सिपाहियों को पता चल गया था कि अंगद जी ने जो सेनापति थे राजा को बता दिया सिपाहियों ने कि अंगद जी ने वो हीरा जो 100 नगों में से 99 बेचकर साधुओं को खिला दिया, भंडारा कर दिया, और जो एक हीरा बहुत कीमती था उसको उन्होंने जगन्नाथ भगवान को अर्पण करने के लिए अपने पगड़ी के अंदर लपेट रखा है। तो ये पता जब राजा को चला तो राजा बहुत नाराज हुआ, और राजा ने खबर दिया कि उनको कहो कि मैं 99 हीरे बेचने का दंड जो नहीं दूंगा, माफ कर दूंगा, लेकिन वो एक हीरा जो उनके पास है वो उसको मुझे वापस दे दें। और जब ये खबर पहुंची अंगद जी के पास तो अंगद जी ने कहा नहीं, वो हीरा भगवान जगन्नाथ के लिए मैंने रखा है, वो मैं राजा को नहीं दूंगा, वो मैं सेनापति था, मैंने उसको प्राप्त किया, वो हीरा ठाकुर जी को अर्पण मैं कर चुका हूँ, मैं भगवान को ही दूंगा, मन से मैंने सोच रखा है भगवान की चीज है, इसलिए भगवान को ही दूंगा, मैं राजा को नहीं दे सकता। इस बात से राजा जो था वो बहुत नाराज हुआ। फिर उसने एक कूटनीति की, बड़ी षड्यंत्रकारी चाल चली, और वो चाल उसकी बहुत भयंकर थी। राजा बहुत बुद्धिमान था किंतु नास्तिक था, भगवान के लिए हीरा अर्पण किया जाएगा ये बात उसको स्वीकार नहीं थी। उसने भेद नीति से काम लिया। अंगद जी की एक बहन थी जो राजा की बुआ लगती थी, वो इससे बड़ा प्रेम मानती थी,
और रसोई बनाया करती थी। राजा ने उसके पैर छू करके और लोभ लालच दे करके और भेदनीत से उससे कहा कि अंगद सिंह को तुम विष देकर मार डालो तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा और बहुत जमीन दूंगा। तो राजा की बात में लोभ में वो आ गई, अंगद जी की बहन जो थी लोभ में आ गई और उसने राजा की बात मान लिया, विष घोल करके भोजन में मिला दिया और भगवान को भोग भी लगा दिया। फिर बुला करके उसने अपने भाई अंगद जी को कहा कि अब भोजन कर लो और थाली परोस करके उनके सामने रखा। महाराज अंगद जी की बहन की एक लड़की थी, छोटी सी थी लड़की, उस लड़की को ये अंगद जी अपने साथ भोजन कराते थे। पहले अपने हाथ से लड़की को भोजन कराते थे, वो ये मानते थे कि राधा रानी की सखी है। अंगद जी तो अब भक्त हो गए थे, अपनी पत्नी रूपी गुरु की कृपा से भक्ति मिली थी उनको, अब ऐसी भक्ति सच्ची हो गई थी कि वो राधा रानी की सखी मानकर उससे उस भाव से प्रेम करते थे कि गोपी है, तो गोपी मान करके उस लड़की से अंगद जी अपनी बहन की लड़की से इस भाव से प्रेम करते थे कि गोपी है, पूज्य भाव था उनका। तो उसको भी साथ बैठा लेते थे और अपनी बहुत निष्ठा से भक्ति से उसको खिलाते थे। तो जब उनके सामने उनकी बहन ने भोजन की थाल रखा तो उसने कहा कि लड़की को बुलाओ, वो पहले भोजन करेगी तब मैं करूंगा। तो उसने तो अपनी लड़की की जान बचाने के लिए उसको कहीं छिपा दिया था, तो उसने कह दिया बहन ने कि लड़की आज कहीं है चली गई खेलने, यहाँ नहीं। तो वो बोले कि कहाँ चली जाएगी खेलने, यहीं कहीं आसपास में होगी, बुला के लाओ, मैं बिना उसको भोजन कराए भोजन कर ही नहीं सकता, कितना मेरा प्रेम है उससे तुमको मालूम नहीं है। बहुत समझाते समझाते हार गई वो, किंतु उन्होंने भोजन नहीं किया। बोले नहीं, मैं उसके भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं उसको बहुत मानता हूं। महाराज अपनी लड़की में भाई का जब इतना प्रेम देखा तो उसके मन में भ्रातृ प्रेम उमड़ आया, बहन को अपने भाई के लिए भ्रातृ प्रेम उमड़ आया हृदय में, और भाई की मौत हो जाएगी भोजन करने से इस बात को सोच करके वो रोने लगी। और फिर भाई के गले लग करके रोते रोते उसने सारी बात कह दी कि भैया ये भोजन तुम मत करो, इस भोजन में मैंने जहर मिला दिया है, राजा ने ये सब करवाया है, राजा के लोभ लालच की बात में मैं आ गई, राजा ने मुझको धन और धरती बहुत देने के लिए लालच दिया और जहर मिलवाया है तुम्हारे भोजन में, और इस भोजन को मत करना भाई, मेरी बात मान लो, तुम इसको मत खाना। तब अंगद जी ने कहा अरे तूने इस भोजन का भोग लगा दिया भगवान के लिए, मैं मर जाता कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे प्रभु को तूने जहर का भोग लगाया, मेरे प्रभु ने जहर का भोजन कर लिया और अब मुझे तू रोक रही है, अब मैं मर भी जाऊं तो भी भोजन को खाऊंगा क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने जहर का भोजन खाया है। महाराज ऐसा कह करके उन्होंने बहन को बाहर निकाल दिया कमरे से और रो रो करके दुखी होकर के भोजन किया कि प्रभु आपने जहर का भोजन किया, आपने विष वाला भोजन खाया, तो मैं जी करके क्या करूंगा, मैं ये भोजन विष का संपूर्ण रूप से खा करके समाप्त हो करूंगा अपने को, जानबूझ करके विषैला भोजन अंगद जी खा गए इस कारण से कि हमारे ठाकुर जी को यह विष का भोजन कराया गया। महाराज किंतु क्या अद्भुत भक्ति थी उनकी, जैसे मीरा जी जहर का प्याला पी करके कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ था, कुछ भी उनके ऊपर विष का असर नहीं हुआ, ठीक वही बात हुई। अंगद जी ने इतना विषैला भोजन जो भगवान को खिलाया जा चुका था, अर्पित था, वो इसी भाव से खाया कि मेरे ठाकुर जी का प्रसाद,
मेरे प्रभु यदि विष खाएंगे तो मैं विष खाऊंगा। महाराज पूरा भोजन खा गए और यह समझकर लेट गए कि अब मेरी मृत्यु होनी है, किंतु उसका असर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि प्रसाद प्रेम से पाने के कारण उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। लेकिन उनके मन में एक कष्ट बना रहा कि मेरे प्रभु को आज विष मिश्रित पदार्थ खिलाए गए। बहुत दुख हुआ उनको इस बात का। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि राजा के मन में जब इतना मेरे लिए खराब भाव है कि वो मुझे जहर खिलाया है, तो अब वो हीरा लेने के लिए मुझको किसी दूसरे तरीके से भी मार सकता है, इसलिए हीरा ये तुरंत भगवान को पहुंचाना, भगवान के पास पहुंचाना और ठाकुर जी को पहुंचाना। महाराज उस हीरा को लेकर के, वो जहर से तो मरे नहीं, तो हीरा को लेकर के जगन्नाथपुरी के लिए तेजी से भागे। और बहुत तेजी से उन्होंने प्रस्थान किया, हीरा को भगवान जगन्नाथ को अर्पण करना है। रायसेन गढ़ से वो तीव्र गति से घोड़े पर चले। और महाराज ये समाचार मिलते ही राजा खींच करके सिपाहियों को भेजा कि उसको रास्ते में ही मार दो, जगन्नाथपुरी जाने नहीं देना, ये सेनापति मेरे साथ धोखा कर रहा है। उसकी सांसारिक बुद्धि थी, भगवत बुद्धि तो थी नहीं, तो उसने सिपाहियों को भेजा कि सेनापति को मार दो रास्ते में और हीरा को वापस लाओ। हीरा लेकर भाग रहा है। महाराज राजपुरुष जो सैनिक लोग थे वो सब खदेड़ लिए और भागते भागते घोड़ा भगाते भगाते उन्होंने रास्ते में घेर लिया अंगद सिंह को, और चिल्ला करके सिपाहियों ने कहा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम राजा के आज्ञा के अधीन हैं, हम तुमको मारने के लिए आए हैं, या तो युद्ध करो या मरने को तैयार हो जाओ, क्योंकि हीरा लेकर के तुम भागे जा रहे हो। महाराज चारों ओर से सिपाहियों ने घेर लिया उनको। उस समय अंगद सिंह जी सवाई माधोपुर जिला है राजस्थान में, और सवाई माधोपुर जिले में तहसील खंडार में पहुंचे थे। और सवाई माधोपुर से खंडार लगभग 24 मील दूर है, खंडार से 6 किलोमीटर दूर वो पहुंचे थे। बनास नाम की एक बरसाती नदी होती है, उस समय वहां जल था, एक तालाब जैसा गड्ढा था उसमें जल भरा हुआ था, तो वहां पहुंचे थे। और वहां उनको फौज के सिपाहियों ने घेर लिया कि मार करके हीरा हम लोग लेंगे उनसे। तो उन्होंने भगवान को याद किया, जगन्नाथ भगवान को, प्रभु ये हीरा आपके लिए है नाथ, ये हीरा मैंने आपको मन ही मन अर्पण कर दिया मेरे नाथ, आप कृपा करके इसको लीजिए। सैनिकों से कहा आप लोग थोड़ा ठहरिए, मैं स्नान करके इस कुंड से बाहर आता हूं तब दूंगा। और स्नान करने के बहाने से वो जल के निकट गए और हाथ उठा करके बोले प्रभु जगन्नाथ भगवान ये हीरा आपका हो चुका है, मैं आपके लिए मन से अर्पण कर चुका हूँ, हे नाथ ये हीरा आप स्वीकार करिए, ये आपकी वस्तु है। और ये बोल करके उन्होंने हीरा हाथ में लिया और भगवान जगन्नाथ की ओर, जगन्नाथपुरी की तरफ, उधर ही वो कुंड भी था भक्तों, उन्होंने जोर से फेंका, प्रभु आप ये हीरा स्वीकार करिए, आपकी वस्तु है मेरे नाथ। और भक्तों अंगद जी को दिखलाई पड़ा वो दिव्य हाथ जो 700 कोस दूर से प्रकट हुआ था। जगन्नाथपुरी 700 कोस दूर थी और वहां से भगवान जगन्नाथ ने अपना हाथ प्रकट किया, जो महाराज सवाई माधोपुर जिला में राजस्थान में अंगद सिंह भक्त ने दर्शन किया वो साथ को। और जब उन्होंने हीरा फेंका है तो उन्होंने देखा भगवान जगन्नाथ ने अपने हथेली के ऊपर ले लिया हीरा को, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, हीरा प्रभु की हथेली पर गिरा है। लेकिन सैनिकों को दिखलाई पड़ा कि तालाब के
जल में गिर गया। महाराज सारा जल छान मारा, राजा खुद आया, बहुत मेहनत के साथ सेना लगाई गई, कीचड़ सब निकाल दिया गया, छोटे छोटे कंकर पत्थर तक निकाल दिए गए, सारा पानी बाहर हो गया। ढूंढ ढूंढ करके सब सैनिक और फौज और सिपाही सब हार गए। राजा भी मूर्छित हो गया जब हीरा नहीं प्राप्त हुआ दुख में। और इधर सब लोग पानी में ढूंढ रहे हैं, उधर अंगद जी तो गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में जाकर के उन्होंने देखा कि उनके पहुंचने के पहले वो हीरा पुजारियों ने भगवान को पहना दिया है और भगवान के हृदय पर जगमगा रहा था वो हीरा। जब दर्शन किया है अंगद जी ने तो चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणिपात किया, वो कहा धन्य वो भक्त वत्सल प्रभु, इतनी दूर से मैंने हीरा फेंका और आपने स्वीकार कर लिया मेरे नाम, अपने हृदय पर आपने धारण किया है इस तुच्छ भक्त की चीज को। बहुत प्रसन्न हुए अंगद जी। और महाराज जगन्नाथपुरी में ही रहने लगे वो। किंतु राजा जो था, जब उसको असफलता प्राप्त हुई अर्थात वो हीरा नहीं मिला पानी में से कुंड से, तब फिर वो कैसे भगवान ने उसके ऊपर कृपा की, शिलादि सिंह राजा जो था उसने सोचा कि चाचा जो हीरा फेंके थे पानी में, उस समय सिपाही लोग बता रहे हैं कि वो बोले थे कि जगन्नाथ भगवान ये हीरा आप स्वीकार कर लो प्रभु, और अब वो जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, तो वहां सिपाहियों को भेजा। और राजा ने जब सिपाहियों को भेजा जगन्नाथपुरी तो पता चला कि वो हीरा जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के हाथ में मिला था और अब हृदय पर शोभा पा रहा है, वो उनको पहनाया गया है। और चाचा ने यह भी बतलाया कि जब मैंने हीरा फेंका था तो भगवान ने अपनी हथेली वहीं सवाई माधवपुर में प्रकट कर दी थी राजस्थान में, और वहीं उनके हथेली पर वह हीरा गिरा था, उसको प्रभु ने स्वीकार कर लिया और अब नित्य प्रति उसको पहनते हैं। महाराज फिर राजा ने क्षमा प्रार्थना का पत्र भेजा, पंडितों को ब्राह्मणों को भेजा, सिपाहियों को नहीं ब्राह्मणों को संतों को भेजा, और ये प्रार्थना किया कि महाराज मैं मर जाऊंगा यदि आप चाचा जी आप नहीं आएंगे, मैं अब वो नास्तिक राजा नहीं हूं, मैं आपके चरणों का भक्त हो चुका हूं, आप आइए और मुझे आप जीवन दान दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं अब आपका भक्त हो चुका हूं। पहले तो उन्होंने मना किया, अंगद जी नहीं गए, लेकिन जब ब्राह्मणों ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो हम लोग यहाँ धरना देंगे और हम लोग कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं और हम लोगों के प्राण निकल जाएंगे, तब अंगद जी को दया आई और वो गए। और राजा अपने दुख को दूर करने के लिए चरणों में चल पड़ा उनके और आ करके चरणों में लिपट गया, उसका भी जीवन सुधर गया। और अंगद जी ने वो राजा को उठाकर हृदय से लगाया, उसके आंखों से आंसू गिरने लगी। अंगद जी ने माफ कर दिया, कहा अब तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति प्रकट हो गई है और अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पहले तो तुमने अपराध किया था, अब भगवान के भक्तों से क्षमा मांगो, भगवान से क्षमा मांगो। महाराज पत्नी की भक्ति की कृपा से अंगद सिंह जी भक्त हुए और अंगद जी की भक्ति की कृपा से ये राजा भी भक्त हो गया। उसने संतों की सेवा किया, अंगद जी से माफी मांगा और प्रभु से भी माफी मांगा। इस तरह से भक्ति माता की कृपा से इन सब का कल्याण हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, राधे राधे।